नमः शिवाय वज्रदंत्रं त्रिनयनं कालकंठमरिंदवं सहस्रकरमत्युग्रं वंदे शंभुमुमापतिं। सही परम पावन परम कारुणिक सच्चिदानंद स्वरूप आशुतोष मंगलमय भगवान त्रिनयन उमापति प्रभु शिवंकर चरणारविंदरे प्रणिपात करी आजीर एही त्रिनयन कार्यक्रमर समस्त भक्त मंडली को आमे अभिनंदन करुचु अभिवादन करुचु। पूर्व प्रसंगरे आमे वेद वेदांतरे शिव तत्व किभली भावरे कुहा जायची विशेषकर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद उपनिषद यथा विभिन्न उपनिषद रही कठ केन मुंडक मांडुक्य बृहदारण्यक श्वेता श्वेतर ए सबुति ईशा ईशा उपनिषद ए सबुति शिव तत्व कथा किभली कह जा। आज आम विविध पुराण रे जो शिवंकर कथा कह जा शिवंकर महिमा वर्णना करा शिव को आराधना कले शिव को पूजा कले भक्त माने कोई को फल पाई थांती असाध्य फल पाई परि थांती जो माने अनपत्य होई थांती निसंतान होई थांती संतान लाभ करि पारंती जो माने दुख ग्लानी रे थिबे से माने अशेष आनंद लाभ करि पारंती जो माने दारिद्र र सीमा रेखा थेले तले थिबे से माने धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राचुर्य रे भरपूर होई जांती जो माने राज्य भ्रष्ट हो जाती से माने मध्य राज्य फेरी पाती ये समस्त कथा पुराण रे खूब सुंदर भाव रे वर्णना करा दे। हे भक्त मंडली वेदरे वेदांतरे जो कथा कुहा जाइछि ताहा टिके दुरुह कथा ताहा को सामान्य व्यक्ति बुझी पारिबे नाही ताहा जेते बले भगवान व्यास जे होचंती वेदर मध्य संकलयता उपनिषदर मध्य से संकलयता ब्रह्मसूत्रर संकलयता एवं से मध्य अष्टादश पुराणर रचयिता से जेतेबले देखिले जे वेदर भाषा उपनिषदर भाषा वेदांतर भाषा साधारण व्यक्ति पाई टिके दुर्गम हो जाउची से सहज बोध्य हेउ नाही सेतेबले सेते देखिले इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सबोपपृंघयेत इतिहास एवं पुराण रचना कले। इतिहास हेउची दुईटी ग्रंथ दुईटी हेउची गोटे रामायण एवं गोटे महाभारत एवं पुराण होची अष्टादश महापुराण एवं अष्टादश उपपुराण अष्टादश महापुराण उपरे जो गोटे पुराण आज आम ताऊपर आलोचना करवा अष्टादश महापुराण रही मत्स्य रही बराह रही भागवत रही विभिन्न प्रकार पुराण रही सब अग्नि पुराण रही स्कंद पुराण रही ये समस्त पुराण भितर स्कंद पुराण मध्य एक प्राचीन पुराण स्कंद पुराण रे गोटे कथा उल्लेख रही जड़े राजनंदन जड़े से होंगे राजा पुत्र से जेतेबले युवराज हो गले एवं तांकर नाम हूँ सुत सी राज्य भ्रष्ट हो गले शत्रु माने आक्रमण करी तांकर राज्य को आक्रमण करिनेले राज्य को अख्तियार करिनेले पिता जेतेबले थिले पिता राज्य शासन करूथिले पितांकर परे युवराज जेतेबले हेले सुत राज्य भ्रष्ट होकर बणरे बुलिले जाए बणरे बुलिक जड़े महर्षि जड़े ऋषि जड़े जोगी से तपस्या करुंक निकट पहुँचिले प्रभु देखुं कठोर तपस्या बहुत दिन अपेक्षा कले से जोबले चक्षु रुमिलन कर आखि खोलिक देखती जड़े युवराज तक निकटने भक्त जोड़ हस्त कि नवेदन करने को चाहते कहले वत्स तुम्हार कौन आवश्यक ना यही मोर बापा जे थिले से होचंती ससागरा धरार अधिपति एवं तांक परे मु युवराज हेबार किछि दिन परे मोर राज्य को शत्रु माने अपहरण करिकि नै जाइचंती मते बहुत दुख होचे कष्ट होचे मु कोन करबी बणरे इतस्तत बुलिकि आपनक निकट रे जने तपस्विंक निकट रे मु आश्रय नैछि आपन मते कोन परामर्श दियंत संगे संगे से कहउचंती जे पुराणर जो गुह्यतम जिनिस
ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହେ ସୁତ, ତୁମକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗୁହ୍ୟତମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଜିନିଷ କହିବି। ଯେଉଁ ଗୋପନୀୟ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବ, ତାକୁ ଗାନ କରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ, ଅପହୃତ ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମେ ଫେରିପାଇବ। ତୁମର ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ତୁମର ମନରେ କୌଣସି ଗ୍ଲାନି ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମର ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଅଥା ପରମ ସର୍ବ ପୁରାଣ ଗୁହ୍ୟମ ନିଶେଷ ପାପୌଗହରଂ ପବିତ୍ରମ ଜୟପ୍ରଦମ ସର୍ବବିପତ୍ ପ୍ରମୋଚନମ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ଶୈବମ କବଚମ ହିତାୟତେ। କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶିବ କବଚ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେବୀଙ୍କର କବଚ ରହିଛି, ନାରାୟଣଙ୍କର କବଚ ରହିଛି, ଗଣେଶଙ୍କର କବଚ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିବ କବଚ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଋଷଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେ ସେହି ସୁତ ଯୁବରାଜ ସୁତଙ୍କୁ ଏବଂ ସେହି କବଚକୁ ସେ ଧାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅପହୃତ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିପାଉଛନ୍ତି। ଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ମଙ୍ଗଳମୟ ସର୍ବ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳପ୍ରଦ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାୟକ। କହୁଛନ୍ତି ଅଥା ପରମ ସର୍ବ ପୁରାଣ ଗୁହ୍ୟମ, ଯେତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁହ୍ୟତମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅଥା ପରମ ସର୍ବ ପୁରାଣ ଗୁହ୍ୟମ ପାପୌଗ ସର୍ବ ପାପୌଘହରମ ନିଶେଷ ପାପୌଘହରମ ପବିତ୍ରମ, ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଇଏ ବିନାଶନ କରିଦେବ ଏବଂ ଜୟପ୍ରଦମ ସର୍ବ ବିପଦ ପ୍ରମୋଚନମ, ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ଶୈବମ କବଚମ ହିତାୟତେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସେ କବଚର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିକିରି ଦୁଇ ତିନୋଟି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କୁହ ତୁମେ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ହେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକ ବିଶ୍ୱରୂପ ବିରୂପାକ୍ଷ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବୃଷଭ ବାହନ ବିଷବିଭୂଷଣ ସର୍ବତୋ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମାମ। ହେ ବିଷବିଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱନାଥ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୱଳ ତୁମେ ତେଜିଆନ ହୋଇ ଉଠ, ଗରିଆନ ମହିଆନ ହୋଇ ଉଠ, ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୱଳ ମହାମୃତ୍ୟୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଭୟମ ନାଶୟ ନାଶୟ ଚୋର ଭୟମ ଉଚ୍ଚାଦୟ ଉଚ୍ଚାଦୟ ବିଷ ସର୍ପ ଭୟମ ସମୟ ସମୟ ଚୋରାନ ମାରୟ ମାରୟ ମମ ଶତ୍ରୁନୁଚ୍ଚାଟୟ ଉଚ୍ଚାଟୟ ତ୍ରିଶୂଳେନ ବିପୋଥ ତ୍ରିଶୂଳେନ ବିଦାରୟ ବିଦାରୟ କୁଠାରେଣ ଛିନ୍ଦି ଛିନ୍ଦି ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗେନ ବିପୋଥୟ ବିପୋଥେ ବିପୋଥୟ ମୁଷଳେନ ନିଷ୍ପେଷୟ ନିଷ୍ପେଷୟ ବାଣୀ ସନ୍ତାଡ଼ୟ ସନ୍ତାଡ଼ୟ ରକ୍ଷାଂଶି ଭୀଷୟ ଭୀଷୟ ଅଶେଷ ଭୂତାନି ବିଦ୍ରାବୟ ବିଦ୍ରାବୟ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବେତାଳ ମାରିଚ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଗଣାନ ସନ୍ତ୍ରାଶୟ ସନ୍ତ୍ରାଶୟ ମାମ ଅଭୟମ କୁରୁ କୁରୁ ବିତ୍ରସ୍ତମ ମାମ ଆଶ୍ୱାସୟ ଆଶ୍ୱାସୟ ନରକ ମହାଭୟାତ ମାମ ଉଦ୍ଧର ଉଦ୍ଧର ସଞ୍ଜୀବୟ ସଞ୍ଜୀବୟ କୃତ୍ୟୁଡ଼ିଭ୍ୟାମ ମାମ ଆପ୍ୟାୟ ଆପ୍ୟାୟ ଦୁଃଖାତୁରଂ ମାମ ଆନନ୍ଦୟ ଆନନ୍ଦୟ ଶିବକବଚେନ ମାମ ଆଚ୍ଛାଦୟ ଆଚ୍ଛାଦୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକ ସଦାଶିବ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଇଏ ହେଉଛି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚୋରର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଚୋରମାନେ କିଏ, କାହା ତରଫରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସୁତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିବେକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧସ୍ୟ ମେ ହୃତ ବିବେକ ମହାଧନସ୍ୟ ଚୌରେଇ ପ୍ରଭୁ ବଳିଭି ରିନ୍ଦ୍ରିୟ ନାମ ଦେଇ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଚୋର, ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନ, ଇଏ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିବେକର ରୂପକ ଯେଉଁ ମହାଧନ, ସେଇ ମହାଧନକୁ ଆଜି ଅପହରଣ କରିକିରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିବେକର ମହାଧନ ଅପହୃତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଶିବଙ୍କର କବଚକୁ ପାଠ କଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ, ସେ ଧନକୁ ଆମେ ଫେରିପାଇବା, ଜଣେ ବିବେକଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବ। ହେ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ସେଇ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଶିବ କବଚ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କିଭଳି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଶିବଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଋଷଭ ଯୋଗୀ
सुतंको कहुचंती जे मु तुमको आज आच्छादित करदेली शिव कवचरी शिव कवचे न माम आच्छादय आच्छादय हे मृत्युंजय हे त्र्यंबक हे सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुमर आशीर्वादरु ये सुतंकर जो भ्रष्ट राज्य से फेरी पातु चोर मानकर विनाश घटु उच्छादय चोरान मारय मारय समस्तंकु आज जो तुमर जो कुठार रही तुमर जो त्रिशूल रही शत्रु मानक तुम्हें निष्पेषय निष्पेषय। हे भक्त मंडली आम यही प्रसंगे देलु यार एक आध्यात्मिक दिग मध्य रही प्रत्येक व्यक्ति कर आज से ही राज्य से ही महाधन विवेक रूपक जो महाधन से आज अपहृत हो जाए चोर यही शरीर में अच्छा चोर होंगे किए ना आमर जो पांच इंद्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय रूप रस गंध स्पर्श शब्द को से माने उपभोग करुचंते चक्षु नासा कर्ण इत्यादि चर्म एगुड़िक आउ हूँ पांचटी जे हूँ आमर कि कर्म इंद्रिय से हूँ हाथ पाक पाणी पाद पायु उपस्थ यही दस एवं मन हूँ एकादश इंद्रिय जे हूँ राजा ये मन एमानंकु एभली भावरे विचलित मन एभली भावरे इंद्रिय मानकु व्यवहार करुची जहाँ फल कि मनीषर जो विवेक शक्ति मनीषर जो सर्वस्व से आज अपहृत हो जाए जहाद्वारा मनीष आखि थी भी अंध हो जाए अंधस्य मे हृत विवेक महाधनस्य चौरई प्रभु बलिभिरीन्द्रिय नावदेह मोहांधकूप मोहांधकार मोहांधकूपे विनिपाति तस्य मोहांधकार गहने कूपे विनिपाति तस्य मोहर जो अंधकार छन्न जो कूपरे आम समस्ते आज पड़ जाइचु गौरी महेश मम देह कृपा अवलंबम। हे गौरी महेश से होंगे अर्ध नारीश्वर गोटे पाख तांकर गौरी गोटे पाख हूँ महेश्वर तेणु तुम्हें आज जदि करावलंब न दब तुम्हें जदि आज आश्रय न दब ताहले आम आज हतोत्साहित होबू ये शिवं पाखे नवेदित होतापर जितेबले से कवच को सी धारण कले इत कवचम शैवम वरदम व्यावृत मया सर्वबाधा प्रशमनम रहस्यम सर्पदेहिना केवल सुत ए कवच तुम्हें उद्दिष्ट नुहे ये सचराचर ब्रह्मांडर प्रत्येक शिव भक्त प्रत्येक मनीष ये हूँ सर्वबाधा प्रशमनम जीवनर कार्यक्रम कौन सी बाधा विघ्न संगठित होबना जी जे जह सदाधार ये मृत्य शैवम कवचम उत्तम जी से ही शैवंकर कवच को धारण करें रक्षा सूत्र को धारण करे कौन हुए ना तांकर नतस्य जायते क्वापि भयम आबे केवल सबुबले भयभीत त्रस्त हो जाऊ से जो भय हो पारना बर्तमान आम देखु समग्र विश्व आज कोरोनार कबल कबलित होकरी जी आम शारीरिक निर्यातना न पाइचु समग्र विश्व एक आतंक सृष्टि एक भय सृष्टि भयर मध्य अनेक व्यक्ति हृदघात हो जाए तेणु भय हवा दरकार ना आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन जदि शिवंकर कवच से आनंदमय कवच को जड़े धारण कर ताहले तार कौनसी जगार भय ना भय नथिले आत्मविश्वास रहिबो एवं तुमर हृदय मन सबकिछ ठीक रही पारे तेणु नतस्य जायते क्वापि भयम शंभुर अनुग्रहात क्षीणायु प्राप्त मृत्यु बा महारोग गतोपि बा जहार आयुष क्षीण हो जाऊ महारोगग्रस्त हो जा सद्य सुखम आपनोति दीर्घम आयुष बिंदति सद्य सुख संगे संगे से सुख पाई कारण से आशुतोष मंगलमय तंकर आशीर्वाद रही जाए सर्वदारिद्र समंग समनम सौमंगल्य विवर्धनम समस्त दारिद्र अपसारित हो जाए समस्त कृत क्षुदा तृष्णा सबकि दूरीभूत हो जाए त्वमपि श्रद्धयावश्च शैवम कवच उत्तम धारयस्व मया दत्तम सद्य श्रेयो हेबापससी मु तुमको आज आशीर्वाद सहित एक कवच दान करुची तुम्हें आपको ग्रहण कर वश्च सुत एवं तुम्हें देखिबो अचिरेण फलम प्राप्स्यसि अचिरेण खूब शीघ्र तुम्हें फल लाभ करिबो एवं ताहा स्कंद पुराण रे वर्णना करा जाइछि शिव कवच को धारण करी सुत जेतेबेले फेरी जाइछंती सेई शत्रु माने पुणी परास्त हो जाइछंती से मस्तक रे जो भस्म धारण करिले हस्तरे शिवकचंक शिवंकर कवच धारण करिले एवं ऋषभता को जोड़िए जिनिस देइथिले गोटे हौचे खड्ग गोटे हौचे शंख
से शंखर निनाद रे शत्रु मानंकर हृत्कंप सृष्टि हला एवं से खड़गरे समस्त को जयलाभ करथिले। तेणु ये होची भस्म धारण सामर्थ्यात शत्रु सैन्यम विजयिष्यसि प्राप्य सिंहासनम पित्र्यम गुप्तासि पृथ्वी में माम। से सिंहासन जो पैतृक सिंहासन जहाँ को शत्रु माने अपहरण करके नहीं जाइले से ताको पाइले से ताको लाभ करते तेणु सी होती से शिव जहाँ प्रसाद रे जी नष्ट समस्त आमे आमर नष्ट बेक को आमर अपहृत जो आत्म प्रत्यय को आम फेरी पाई था समस्त उत्साह उद्दीपना उत्कंठा एवं आनंद रे समस्ते तल्लीन हो जाती जदि शिव तत्व सहित निज को संयुक्त कर देते कारण शिव से स्कंद पुराण कहते सी हूँ सामान्य नुहति सी हूँ से स्रष्टा जहाँ ठार् ब्रह्मांकर सृष्टि जहाँ ठार् विष्णुंकर सृष्टि एक ही सद विप्रा बहुधा बदती जहाँ ठार् विश्व ब्रह्मांडर पश्यामि देवान् स्तव देव देहे समस्त जिनसर समस्त वस्तु रोचे सृष्टि से हूँ पंचविंशति तत्वर मध्यु आविर्भाव कर एवं से होचंती स्वयं जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तदेव परमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिवसंकल्पं। से होचंती ब्रह्म से शिवसंकल्प ब्रह्म तेणु शिवसंकल्प होचंती से परम ब्रह्म जहाँ स्कंद पुराण रे वर्णना करा जाइछि। शिव होचंती गुरु शिव होचंती बंधु शिव होचंती पिता शिव होचंती माता शिव होचंती जीवनर सर्वस्व ए कथा स्कंद पुराण रे अति स्पष्ट भाव रे महर्षि व्यास देव कहउचंती शिवो गुरु शिव देव शिवो बंधु शरीरिणाम शिव आत्मा शिवो जीव शिवाद अन्यश्च कश्चन शिव मुद्दिश्य जत किंचित दत्तम जप्तम हृतम कृतम तदनंत फलम प्रोक्तम सर्वागम विनिश्चितम। शिवंकु छाड़िकरि आउ कौनसी तत्व ए संसार रे नाही सबु होची समस्त तत्वर अवसान घटी थाए सहस्रार चक्रे अवस्थित से ही शिव तत्व निकटरे मूलाधार चक्रर कुंडलिनी शक्ति जेतेबेले सहस्रार चक्रर शिवंक सहित मिसी जाए सेतेबेले मनीष पूर्णांग हो जाए ये संसार मधुमय अमृतमय सुधामय हो जाए। तेणु से स्कंद पुराण से पुणी कहते महर्षि व्यास शिवात परतरो नास्ति पूजनीयो सही शिव जे से शिव हूँ सर्वदा आमर पूजनीय शिवात परतरम नास्ति शिवंकु छाड़ीदे आउ अन्य कौन सी तत्व आम निकटरे नाही एवं शिव तत्व आज समस्त ग्रहणीय समस्ते शिवंकर पूजनीय यार अर्थ हेउची जे एठी जाति धर्म वर्णर कौन सी विचारणा न थाए एठी उच्च नीचर कौन सी विचारणा न थाए एठी चांडाल ब्राह्मणर कौन सी विचारणा न थाए। आम देखीचु जेतेबेले काशी रे शंकराचार्य पहुँचीले विश्वनाथ आसीथिले निजे चांडाल भाव में आसिकरी शंकराचार्य शिव भक्ति को परीक्षा करथिले एवं तापर जेतेबेले से देखिले जे शंकर होउचंती प्रकृत रे शिव भक्त निजे चांडाल सेतेबेले तांकर स्वरूप को बाहर कर जाइथिले अर्थात गंगारे छोटिया कथाटे आपणकर अवगति निमंते मु उल्लेख करने चाहूँ शंकराचार्य शिष्य मान सहित गंगा स्नान कर जितेबाला फेरुंट काशी विश्वनाथ को दर्शन करने से होती अद्वैतवादर प्रवर्तक अद्वैत हूँ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापर प्रत्येक जीव हूँ ब्रह्म स्वरूप ये हूँ अद्वैतवादर निर्यास एवं से तो फेरुंट दर्शन करने गोटे चांडाल पथ उगाड़ी एवं तांकर शिष्य माने उत्क्षिप्त हो जाउचंती चांडाल को देखिकी कहले ये होउचंती जने नैष्टिक श्रोत्रिय ब्राह्मण ये तेणु तांकर पथ तुम्हें से स्नान कर आसी आम आज पवित्र हो गलु अपवित्र हो गलु गुरुदेव ये पापीर दर्शन रे तेणु शंकराचार्य शिष्य मानंकर परामर्श अनुसार पुणी थे जाउचंती गंगा रे स्नान करी फेरिबे एवं भाबिले ए चांडाल बधे चली जाइथिबो आसिले पुणी आउ थे जितेबाला आसिले पुणी से चंडाल को देखिले से समय से बाटे कहले कहीं कड़े तुम्हें सब जाऊ कौन करुच पुणी कहले आम अपवित्र हो गलु हूँ पुणी गंगा को गले स्नान करने पुणी जितेबाला बाट परिवर्तन करी आसुचंती चंडाल अन्न बाट को चलीगले जितेबाला जाकि देखुं पुणी फेरी जावाई चाहती शंकराचार्य कहले ना जाओ नहीं देखा कहीं ये चंडाल तीन थर आसी आम बाट उगा हूँ पचारुंत तुम्हें किए ना तुम्हें सब किए ना आम किए जाणी ना आम हूँ ये हूँ आचार्य शंकर
ना आचार्य शंकर माने कौन से कहते ना अद्वैतवाद अद्वैतवाद कौन ना जीव ब्रह्म ना पर प्रत्येक जीव हूँ ब्रह्म परम पितांकर से जड़े जड़े अंश स्वरूप सांगे सांगे चांडाल हाथ जोड़ी कहते ताले मु कौन जीव नुहे मु कल जड़े मनीष नुहे ताले मते कहीं तुम्हें देखिले एत पापी बोलिकी निजक भावुच अपवित्र बोलिकी तुम्हें भावुच शंकराचार्य सांगे सांगे चाहते कहले ये किए ये सामान्य चांडाल ये सामान्य मनीष नुहे तेणु सांगे सांगे कहते मनीषा पंचक लिखिंट चांडाओस्तु सतु द्विजोस्तु गुरु रीते मनीष येसा मनीषा मम से चांडाल हौ गुरु हौ यही मोर प्रकृत गुरु जेतेबेले साष्टांग प्रणिपात करि जाउचंती आचार्य शंकर तांकर पदार बिंदरे से चांडाल नथिले से आविर्भूत होइगले से होउचंती काशी विश्वनाथ स्वयं शिव से जे कहउचंती शंकराचार्य तुम्हें एपर्यंत केवल शास्त्रीय चर्चा करुथल तुमर व्यावहारिक ज्ञान नथिला आजिठ तुमे अद्वैतवादर यो तत्व को तुमे भाविल जे सेठी जाति धर्मर कौन सी भेदभाव ना चांडाल ब्राह्मण समस्ते आज से ब्रह्म विद्यार अधिकारी हो पारे ये केवल शिवंक पाखे संभव हो पारे जातिनाश्च चांडाल स्वपचा यंतचा अमी शिव भक्ति परांग नित्यम तेजांति परमां गति जो मैंने जातिन जहाँ जेकोसी जाति वर्ण धर्म निर्विशेष समस्ते शिवंकर आज भक्त हो पारे तस्मात् सदा शिव पूज्य सर्वैरेव मनीषिभिः पूजनीयः हि सम्पूज्य ह्यर्चनीयः सदा शिव महेशं परमं ज्ञानं चिन्तयन्ति हृदि स्थितं तत्र जीवो भवत्येव शिव तत्रैव तिष्ठति जीव शिव हि जानति तेणु शिवंकर दर्शन रे आज शंकराचार्य जेवळी भावरे तांकर आत्मबोध हला नमे जाति भेद नमे मृत्यु शंका मोर मृत्यु शंका शिवंकर सानिध्य रे जो माने आसीबे से मानंकर जाति भेद न थाए शिवंकर सानिध्य रे जो माने आसीबे से मानंकर मृत्यु शंका न थाए कारण से मृत्युंजय से होचंति मृत्युंजय एवं जाति भेद कहीं न थाए ना से भोलानाथ से आशुतोष से सर्वव्यापक से होचंति समस्त मनीषंकर समस्त ब्रह्मांडर से होचंति देवता तेणु तांकर जाति भेद न थाए कि मृत्यु शंका न थाए महामृत्युंजय मंत्र रे समस्त दीक्षित होती शिवंकर सानिध्य रे आसीगले तेणु से होचंति प्रकृत रे ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीन जन जाक जहां ठारू उत्पन्न होती सी होती महेश्वर जे हूँ संसार जस्येन्द्रियाणी सर्वाणी वर्तन्ते शिवकर्मसु स निस्तरति संसारम भुक्ति मुक्ति च विंदती जस्येन्द्रियाणी सर्वाणी जेतेबेले आमर ए समस्त एकादश इंद्रिय को आम शिवंकर आराधन समर्पित करदेबा ये बाक हौ पाणी हौ पाद हौ उपस्थ हौ कर चरण कृतम बाक कायजम कर्मजम मनजम सबु मन को संपूर्ण भाव समर्पण करदेबा त्रिनयन निकटने त्रिलोचन निकटने देखिबे निश्चित भाव आमर स निस्तरति संसार ए भव संसार ए भव संसार न जाने संसार किम अमृतमय किं विषमय ये संसार सागर को तरण करी से आनंदर बेलाभूमि से विचरण करिपारंती ये होची शिव भक्तर प्राधान्य एवं एथिपाई जो स्कंद पुराण रे कहले कारण से होचंती एकम ब्रह्मैव अद्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेह नानास्ति किंचित एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्ते तस्माद् एकम त्वाम प्रपद्ये महेशम तेणु तुम्हें से एक ब्रह्म तुमको आज प्रणिपात करुचु जगतर कल्याण साधन कर समस्त भक्त मानंकर तुम्हें अशेष मंगल साधन कर ओम नमः शिवाय।